स्मार्ट सैंपलिंग के बाद मालूम हुआ है कि सिर्फ अलोन लाहौर में 6,70,000 मरीजों का जो है एक अंदाजा लगाया गया है। और ये भी लिखा है कि कोई भी रिहायशी इलाका, कोई भी ऐसा रेजिडेंशियल इलाका नहीं है जहां पे COVID-19 के अफेक्टीज ना हो। तो अब गिवन द सिनेरियो, आपकी हुकूमत के जो फैसले हैं वो कितने कंपैटिबल हैं, कितने आप जो है इसको कंपैटिटिव तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये है जी कि आप इसको वर्ल्ड सिनेरियो में उठा के देख लें। जो हमारी स्ट्रेटजी थी कि स्मार्ट लॉकडाउन के कब करना है, कितनी देर के लिए करना है, फिर इसको रिलैक्स भी करना है ताकि लोगों को ब्रीदिंग टाइम भी मिले जी, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें, मैं उन 1400 ख़ानदानों के साथ मेरी बहुत ज़्यादा हमदर्दी है जो इस दुनिया से चले गए कोरोना की वजह से, 1400 अफराद जो अल्लाह को प्यारे हुए। लेकिन आप देखें 22 करोड़ की आबादी है और उसमें से आपके जो सस्पेक्टेड आपने अभी तक किए हैं, आप बता रही हैं 6.25 लाख के करीब या 6 लाख के करीब जो हैं लोग, उनको मकसद टेस्ट किया गया है, तो उनमें से भी 12-12.5% की एवरेज आ रही है जो कि पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। अच्छा, उन 12% को अगर आप ले लें, वो तकरीबन अराउंड 70,000 के करीब आप बता रही हैं, तो उसमें से 2.25% जो है वो डेथ जाके बनती हैं या 2% बनती हैं बेसिकली 70,000 का, तो 2% लोग जो हैं वो मकसद पॉजिटिव में से उनकी डेथ्स हुई हैं अभी तक का जो डेटा हमें प्रैक्टिकली हमारे सामने है जो कुछ। अब इसमें अब अगर हम ये कहें कि जी कंप्लीट लॉकडाउन कर लें या कंप्लीट मकसद है कि पूरी चीज़ हर कुछ सब कुछ बंद कर दें, आप कर भी लें, आप जितनी एहतियात कर भी लें, उसके बावजूद ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसने ख़त्म हो जाना है। जो पहले की एक परसेप्शंस थी लोगों की कि ये जी 100 के ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा तो ये सर्वाइव ही नहीं करता और ख़त्म हो जाएगा, अब वो सारी र्यूमर्स ख़त्म हो चुकी।